ये घटना है 8 अगस्त की। कलकत्ता के एक मेडिकल कॉलेज में एक लड़की अपना शिफ्ट पूरी करके अपने दोस्तों के साथ डिनर करती है और डिनर करके सोने जाती है। एक लड़की जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए शहर आती है कि मैं पढ़ लिख के डॉक्टर बनूंगी और माँ बाप का प्रॉब्लम दूर करूंगी, अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगी। बट सीन ये हो जाता है कि वो सेकेंड ईयर में पढ़ रही होती है, उस कॉलेज के बड़े ओहदे के लोग उस लड़की पे नजर टिका के रखते हैं कि इनका आगे पीछे उतना कोई है नहीं और इनके साथ हम जो चाहे वो कर सकते हैं। यानी 8 अगस्त की बात है, जब वो अपने शिफ्ट पूरी करके अपने दोस्तों के साथ डिनर करके अपने कमरे में सोने जा रही होती है, तो बिल्डिंग के चौथे फ्लोर पे हॉल में उसका रेप कर दिया जाता है। 9 अगस्त को जब वहाँ लोग पहुँचते हैं तो देखते हैं कि एक लड़की अर्ध नंगी पड़ी हुई है, उसके बॉडी से ब्लड आ रहे हैं, उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहे हैं, उसके बॉडी में बहुत सारे जगह पे स्ट्रेस मार्क्स हैं, मृतक शरीर पड़ी हुई है। मुद्दा ये उठता है कि जस्टिस के लिए बहुत लोग हैं कि भाई मैं इनके जस्टिस के लिए खड़ा हूँ। डॉक्टर के मुताबिक 150 ग्राम स्पर्म, 150 ग्राम शुक्राणु सीमन उनके बॉडी में मिलती है, लेकिन सिर्फ एक बंदे को पकड़ा दिया जाता है क्योंकि उनका वॉचेस वहाँ पे मिलता है एंड उनके शूज पे उनके ब्लड के कुछ दाग मिलते हैं। और वो क्या करता है, वो पूरे कपड़े धो देता है बट ब्लड के वो दाग नहीं धो पाता है वो। तो यहाँ से तो इतना प्रूफ हो रहा है कि ये केस दबाया जा रहा है, क्योंकि 8 अगस्त को रेप कांड हुआ और आज 17 अगस्त है, 8 दिन हो चुका है, 9 दिन। इस 9 दिन में सिर्फ एक बंदा हाथ आया है जिसको कि जबरदस्ती बनाया गया। 150 ग्राम सीमन उस बंदे के बॉडी से नहीं निकल सकता अकेले, तो अकॉर्डिंग टू मी 15 से 20 बंदे होंगे ही होंगे, 15 लोग तो होंगे ही। 15 लोग कोई छोटा मोटा लोग नहीं होगा, बड़े अहदे के लोग होंगे। 15 लोग के पास कम से कम तो 15 करोड़ सिर्फ रिश्वत देने का पैसा होगा, समझ रहे हो? तो जब इतने पैसे सरकार को दिया जाएगा, प्रशासन को दिया जाएगा, तो केस ऑटोमेटिक दबेगा। केस दबे ना दबे इतना जरूर होगा कि उनके क्राइम सीन पे पाए जाने वाले सबूत हो उनको तो मिटाई देंगे ये लोग, इतना तो करवा ही सकते हैं। अभी का न्यूज ये आ रहा है कि अभी केस प्रूफ भी नहीं हुआ, सीन है उस सीन को पूरा मिटाने की कोशिश किया जा रहा है। तो इससे भी ये प्रूफ होता है कि ये केस जितना हम सीरियस ले रहे हैं उतना ना तो प्रशासन सीरियस ले रही है, ना ही सरकार सीरियस ले रही है। बट मुद्दा ये उठता है कि क्या हमारे देश में बहू बेटियां सुरक्षित है? अगर वो नहीं है तो सरकार उनके लिए कितना सीरियस है? आई डोंट थिंक कि सरकार इतना सीरियस है। अगर सरकार सीरियस होती तो आज जस्टिस के लिए लोग बाहर रोड पे नहीं घूम रहे होते, अब तक कुछ ना कुछ तो सुराग निकल ही जाता। क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंस है जो छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी बड़ी चीज़ें निकाल देते हैं, बट जब पैसा दे के किसी का मुंह बंद कर दिया जाए तो क्या ही करेंगे। ममता बनर्जी से रिक्वेस्ट है कि आप कुछ तो करो। और भी जो देश के सरकार हैं, बड़े बड़े जो नेता है, लीडर हैं, वो भी आवाज़ नहीं उठा रहे इनके लिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आने वाले कुछ समय में ये केस ऐसे दबा दिया जाएगा कि पता भी नहीं रहेगा किसी को कि कुछ हुआ भी था, नॉर्मल हो जाएगा। अभी जो 10-15 दिन से सोशल मीडिया पे, बहुत सारी ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह पे ये जो केस चल रही है ट्रेंडिंग में, ये कुछ दिनों की बात है। कुछ लोग आएंगे, कुछ व्यूज लेंगे, कुछ व्यूज बटोरेंगे, कुछ लाइक्स लेंगे, कुछ फॉलोअर्स लेंगे, और फिर कुछ लोग रोड पे 10 दिन घूमेंगे, 5 दिन घूमेंगे, फिर वापस घर चले जाएंगे, कुछ नहीं होगा, उसी का वेट कर रही है सरकार। और तो और उससे भी बड़ी चीज़ है, बड़े बड़े जितने यूट्यूबर है, बड़े बड़े जितने क्रिएटर है सोशल मीडिया पे, ध्रुव राठी हो गया और भी बहुत सारे हैं, ये लोग इतना सा भी आवाज़ नहीं उठा रहे जबकि इनका कुछ नहीं जाना। यार एक स्टोरी लगा दो, छोटी सी वीडियो बना के डाल दो, आप सपोर्ट में खड़े होंगे, जब तो पूरा देश सपोर्ट में खड़ा होगा। बट आप क्यों पड़ी लकड़ी लोगे? क्योंकि आपके पास पेमेंट नहीं आती इन सब चीज़ों की, इसलिए। और उससे भी बड़ी चीज़ है ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर जो कि इतनी बड़ी बड़ी वीडियोज़ बनाता है सोशल मीडिया पे, आज 10 दिन हो गए उसकी वीडियो नहीं आई। मैं भी हो सकता आगे आ जाए, बट आगे आके क्या करेगा जब जरूरत अभी हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार क्या कर रही है, गवर्नमेंट आवाज़ क्यों नहीं उठा रही है? ना तो अपोजिशन उठा पा रही है, ना ही जो सत्ता में वो उठा पा रहे हैं, ऐसा क्या बात हुआ है भाई? ये तो सोचने वाली बात है। और पुलिस प्रशासन को रंगे हाथ सब कुछ मिला है, बट वो एक चोमू से बंदे को उठा के जेल में डाल रहा है, इसने किया? अरे भाई अकेले उसके बॉडी से 150 ग्राम स्पर्म नहीं निकल सकता। ये जो सिस्टम व्यवस्था है ना हमारे देश का, इस दिन सही हो गया ना हमारे देश में बड़े रेप जैसे कांड होना ही बंद हो जाएंगे। इस सिस्टम को ठीक करना है। अब दिक्कत क्या पता है, इन सिस्टम में जो ये रेप कांड होते हैं, इसमें से 100% में से 95% जो रेप कांड होता है वो इसी सिस्टम के लोग करते हैं, वो हमारे जैसे छोटे मोटे लोग नहीं करते। उनको डर है, उनको कानून का पता है, बट जो इस सिस्टम को चला रहे हैं उनको ये पता है भाई कानून तो मेरे हाथ में है, मैं ही तो कानून को संभाल रहा हूँ, कौन क्या बोल देगा, जो होगा देखा जाएगा, हम अपने मर्जी का करेंगे। और सच में वो करते हैं और ऐसा होता भी है। रीजन ये है कि हम उनको चुनते हैं। जिस दिन हमारे देश के सारे नेता एडुकेटेड हो जाएगा, पढ़े लिखे हो जाएंगे, उस दिन से मैं गारंटी देता हूँ हमारे देश का क्राइम
85% कम हो जाएगा। और खासकर जो गरीब लोगों पे, असहाय लोगों पे क्राइम होता है, वो तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। बट दिक्कत यही है कि हम ऐसे नेताओं को वोट देते हैं, ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो कि अनपढ़ होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं। उनको सिर्फ राजनीति आती है, पढ़ाई लिखाई दुनिया समाज से मतलब नहीं है। उनको लोग के जीवन की चिंता नहीं है, उनको अपनी कुर्सी की, पैसे की, इसी की चिंता है। कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। आप ढूंढ लो 100 में से जितने भी देश में लीडर्स हैं, ढूंढ लो उसमें से कितने ऐसे लीडर्स हैं जो पढ़े लिखे मिलेंगे आपको। मुश्किल से मुश्किल 10 से 15, और होंगे भी पढ़े लिखे तो सिर्फ डिग्री के लिए, डिग्री लेके खड़े हैं, भाई हम तो पढ़े लिखे हैं। बट रियलिस्टिक पढ़ाई अलग होती है, आपके पास डिग्री नहीं मैटर नहीं करता। आप अगर बचपन में सेक्स एजुकेशन ये सारी शिक्षा दी होती स्कूलों में अच्छे तरीके से, तो शायद रेप कांड इतना नहीं होता देश में। आज एक बच्चे की जान गई है, कोई नहीं खड़ा है उनके लिए, सब अपना मौज मस्ती में जी रहा। बड़े बड़े लेवल के लोग कोई नहीं खड़ा है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है ना, रेप ही तो है, ये तो होता ही रहता है, कोई नई चीज़ थोड़ी है उनके लिए, तो यही है ना। तो बड़े लोग, ना तो लीडर, ना नेता, ना बड़े बड़े सेलिब्रिटी, ना ही जो कि पूरे देश का, इसी देश के वजह से जिसका घर चलता है, लेकिन उन लोगों में से कोई खड़ा नहीं है, शायद ये एक दो को छोड़ के। देखो हमारे से छोटे मोटे क्रिएटर चाहे जस्टिस मिले या ना मिले, बट आवाज़ तो हम उठाएंगे, कोशिश करेंगे कि जस्टिस मिल जाए। जब तक नहीं मिला तब तक उठाएंगे भाई। और ऐसा नहीं है हमें सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स चाहिए, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करता, वो तो हम, हमारे पास वैसे भी नहीं है। मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो कोई मैटर नहीं करता। बट हमारा काम है आवाज़ उठाना, हम उठाएंगे। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, आप लोग भी आवाज़ उठाओ। ये छोटा मोटा कांड नहीं है, इसमें बड़े लोगों का हाथ है, और मैं लिख के देता हूँ, अगर साथ दे के आपने आवाज़ उठाया तो ये बड़े लोग एक ना एक दिन जरूर पकड़े जाएंगे। लेकिन अगर नहीं उठाया, आप लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, तो ये केस 15 दिन में ऑटोमेटिक दब जाएगा, और 20 दिन चलेंगे इंस्टा पे, थोड़े दिन और ट्रेंड करेंगे, इसके बाद ये धीरे धीरे ये अपने आप दब जाएंगे। जैसे कि इससे पहले हुआ था, जब जंगल काटा जा रहा था, कितने लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, अभी भी वो जंगल कट रहा है, कोई कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, वो चलेगा। छत्तीसगढ़ का जंगल अभी कट रहा है। मणिपुर जब जल रहा था उस टाइम भी कितना प्रोटेस्ट हुआ था, बट कोई खड़ा नहीं हुआ था। सब सरकार को पता है ये 10-15 दिन 20 दिन 1 महीने चलना है, इसके बाद ये ऑटोमेटिक बंद हो जाना है, कुछ नहीं होना है इनका। हम क्यों फालतू पड़ी लकड़ी लें, 10-15 दिन वेट करते हैं, अगर देखते हैं, अगर नहीं बंद हुआ तो धीरे धीरे हम बंद करवाएंगे, अगर बंद नहीं, उससे भी बंद नहीं हुआ तो थोड़ा बहुत कदम उठा लेंगे, 2-4 और ऐसे ही किसी को पकड़ लेंगे, पैसे पूछे देंगे, भाई ये सारी रेपिस्ट है अंदर डालो बस। आजकल तो नॉर्मल है 15 करोड़ 10 करोड़ किसी को देके उसको जान को खरीदना मिल जाता है। हमारे जैसे लोग अगर खड़े रहे तो हो सकता है एक निर्दोष की जान बच सकती है, उनको जस्टिस मिल सकता है, और हम इसी के तलाश में रहते हैं। बाकी आप लोग को अगर सपोर्ट करना है तो शेयर करो इस वीडियो को। बाकी भाई तो दुनिया चली रही है, हम क्या कर सकते हैं उसमें।